हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा छोटा व्लॉग है जिसमें हम उल्लासनगर की बारिश देखने वाले हैं। गाइस, काफ़ी टाइम से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है। ये एक मैं लास्ट वन मंथ में मैंने ठीक से व्लॉग नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम से बारिश काफ़ी हो रही है। 15 डेज हो गया है बारिश को, और उसके पहले काफ़ी गर्मियाँ थी। तो अभी थोड़ा ना थोड़ा शुरुआत कर देते हैं, फिर आगे मेरे व्लॉग्स हर सेकेंड नहीं तो थर्ड डे पे आएगा ही आएगा, क्योंकि आगे मैं काफ़ी व्लॉग्स रेडी करके एक साथ रख दूंगा और फिर उसे टाइम टू टाइम रिलीज़ करूंगा। तो आज का मुझे बताइएगा, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए आज का आपको व्लॉग कैसा लगा। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, अभी इस वक्त हम है उल्लासनगर की 3 नंबर एरिया में है। 3 नंबर से हम 4 नंबर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से अभी एक विठलवाड़ी स्टेशन भी आएगा जो उल्लासनगर के नेक्स्ट स्टेशन ही है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, और आज का हम रिक्शा से ही घूमने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों साइड से जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पानी अंदर भी आ रहा है रिक्शा के, थोड़ा सा मैंने कवर वो साइड कर दिया है। और ये यहाँ से अभी एक टर्न होगा, यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वहाँ से 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ये ऐसी एरियाज आती है, और यहाँ से हम राइट जाएंगे तो 4 नंबर 5 नंबर ऐसे आता है। अभी हमारा जो टर्न हो रहा है, ये एक श्रीराम थिएटर है यहाँ पे। श्रीराम थिएटर का जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज रेलवे लाइन के ऊपर वाला ब्रिज है। मैं आपको नीचे का एक व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ से नीचे रेलवे लाइन दिखाई दे रही है हमें। और यहाँ से विठलवाड़ी स्टेशन राइट साइड में है, और यहाँ से लेफ्ट साइड में वो लास्ट स्टेशन आता है। तो अभी हम जो है एक ये सर्कल पे आ चुके हैं, और अगर हम आगे से राइट लेंगे तो विठलवाड़ी कल्याण ठाकुरली तरफ रास्ते जाते हैं उस तरफ, और यहाँ से सीधा हमारा 4 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा। और ये यहाँ का चौक है, और बारिश काफ़ी हो रही है। तो ये मेरा बारिश का फर्स्ट व्लॉग ही है, और मेरा जो मोबाइल है वो वैसे मैं मोबाइल से जो निकालता हूँ वो वाटर प्रूफ नहीं होने की वजह से मैं आज रिक्शा से ही बना रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम नेक्स्ट ईयर मेरा मोबाइल जो है वाटर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि मैं वो आगे चल के देखूँगा उसको भी। फ़िलहाल हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे जो है यहाँ के आगे हम यहाँ से राइट से जाएंगे, सीधा जाएंगे तो 4 नंबर आता है, यहाँ से भी 4 नंबर आता है, लेकिन यहाँ से अंदर का एक VTC ग्राउंड का एरिया आता है। और यहाँ के रास्ते थोड़े ख़राब है, लेकिन जाना उस तरफ ही है। देखिए, यहाँ के बारिश में रास्ते ख़राब हो जाते हैं, फिर जैसे ही बारिश का कम हो जाएगा तो फिर से रास्ते वापस से बनते हैं। और कुछ कुछ रास्ते ख़राब नहीं होते, ज़रूरी नहीं है सब जगह के रास्ते ख़राब हो। और ये लेफ़्ट साइड में पेट्रोल पंप भी है, और यहाँ से ये एक इंडस्ट्रियल एरिया ही है, पीछे था एक लोकेलिटी जहाँ पे शॉप्स भी थे, घर भी है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ दिखाई देगी हमें, क्योंकि ये उल्लासनगर का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो यहाँ पर राइट साइड पर हम देख रहे हैं तो हमें इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज़ दिखाई देगी। तो मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ से बस हम 2 मिनट में हम एक जगह पहुँच जाएंगे VTC की एरिया में, वहाँ तक ही आज का हमारा सफ़र है। और चारों तरफ पानी ही पानी है, और प्राइवेट रिक्शा ही कर ली है मैंने, क्योंकि शेयरिंग रिक्शा बारिश के टाइम उसमें फ़ायदा नहीं है कुछ भी, और मुझे ब्लॉग भी बनाना था तो इसके लिए मैंने प्राइवेट रिक्शा ही किया है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी है, जो कभी हम आने वाले ब्लॉग में हम अच्छी तरह भी देखेंगे अंदर की एरियाज। और रास्तों पे अभी भी पानी भरे हुए है साइड में से, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे उल्लासनगर में, इतना पानी भरने का इतना इशू नहीं आता है। कुछ एरियाज है, अगर बदलापुर वगैरह साइड से डैम छोड़ते हैं जब भी फुल हो जाती है डैम्स, तो वहाँ से अम्बरनाथ के शिव मंदिर है या उल्लासनगर 3 नंबर जहाँ से उसका रास्ता है वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी हर जगह प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पर एक राइट साइड में एक छोटा मंदिर भी है, एक शिव मंदिर है छोटा सा, मैं आपको उसकी एक झलक बाहर से ही दिखा दूंगा। ये है शिव मंदिर राइट साइड में, और बस अभी हमारा एक 2-3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। VTC ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, और
काफ़ी चीज़ें कि खेलने की अच्छी जगह है वहाँ पे। और बाकी ये यहाँ से बस अभी हमारा आज का हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे घर भी है, और कभी उल्लासनगर के मेरे पहले के भी दो ब्लॉग ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें एक में मैंने उल्लासनगर सिटी मार्केट में मैंने आपको मार्केट दिखाया है, और यहाँ के हमने कुछ मंदिर कवर किए हैं, और उसके अलावा भी मैं कुछ और अलग अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगा। कुछ कुछ एरिया अभी भी रह गई है, और उसके अलावा हम दूर दूर के भी कवर करेंगे। मैंने माथेरान सोचा था एक्चुअली, लेकिन काफ़ी बारिश की वजह से प्लानिंग मेरा हो नहीं पाया है, लेकिन हम दूसरे जगह के भी काफ़ी बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और मुझे बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।